क्या हाल चाल है दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों इतनी सारी बकचोदियों के बाद ये वॉच हमारे पास भी आ चुकी है। इसका मॉडल नेम है पीवल कॉस्मोस एंगेज और यहाँ इसके सेल प्राइस में बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ देखने को मिली। कभी 3000, कभी 3300, कभी 7400 जो कि इसका लॉन्च प्राइस भी बहुत टाइम तक टैग किया गया था, लेकिन हमने इस वॉच को 3000 के प्राइस पॉइंट पर ही ऑर्डर किया है। इस वीडियो में करेंगे इसके अनबॉक्सिंग, बात करेंगे इसके सभी फीचर्स के बारे में और इस वॉच में इनिशियली क्या प्रोज एंड कॉन्स दिए गए हैं इस पर भी बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए जिससे आपको कंप्लीट आइडिया लग जाएगा कि इस वॉच को आपको परचेज करना चाहिए या फिर नहीं। और बात करें इस वॉच के मेन यूएसपी की, तो इसमें एप्पल वॉच अल्ट्रा के लुक एंड डिजाइन का यूज किया गया है। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को भी दबा देना। यहाँ 5000, 10000, 20000 जितने चाहे आप सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हैं, कोई भी चार्जेज आपके नहीं लगेंगे। और वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बॉक्स का ओवरव्यू कर लेते हैं। बॉक्स के फ्रंट साइड में ही पीवल की ब्रांडिंग मेंशन की गई है और उसका मॉडल नेम भी मेंशन किया गया है, कॉस्मोस एंगेज। बात करें इसके बैक साइड की, तो बैक साइड में भी कुछ की फीचर्स को हाईलाइट किया गया है, इन्हें आप पोज करके रीड आउट कर सकते हैं और हम वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। बात करें इसकी MRP की, तो यहाँ MRP मेंशन की गई है 7499 रुपीज़, लेकिन इसका लॉन्च प्राइस था 3000 रुपीज़ जो कि काफ़ी गड़बड़ घोटाले के साथ में दिया गया था और अभी इसका प्राइस फिलहाल इंक्रीज हो गया है। अब जल्दी से बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं बॉक्स में क्या क्या एक्सेसरीज साथ में दी गई है। और बॉक्स को ओपन करने के बाद इसमें एक यूजर मैनुअल दी गई है जिसे आप रीड आउट कर सकते हैं, साथ में 1 ईयर का वारंटी कार्ड भी दिया गया है और साथ में कुछ एक्स्ट्रा कार्ड डिटेल्स भी मिल जाते हैं। और यहाँ वायरलेस केबल दी गई है, इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है और साथ में एक टेम्पर्ड ग्लास भी दिया गया है इस वॉच की स्क्रीन को प्रोटेक्ट करने के लिए। और फाइनली अब आ जाते हैं अपनी स्मार्ट वॉच पर। सबसे पहले इस प्लास्टिक रैपर को भी रिमूव कर लेते हैं और यहाँ इस वॉच में फर्स्ट टाइम इसे ऑन करने पर पीवल की ब्रांडिंग भी मेंशन की गई है और इसके वॉच फेसेस को आप रोटेटिंग क्राउन बटन से चेंज भी कर सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं इस वॉच की बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन की। इस वॉच में मेटल बॉडी फ्रेम का यूज किया गया है, राइट साइड में डुअल बटन का यूज देखने को मिल जाएगा जिसमें सिंगल रोटेटिंग क्राउन बटन भी दिया गया है और लेफ्ट साइड में भी आपको एक सिंगल बटन दिखने को मिल जाएगा और साथ ही स्पीकर ग्रिल भी दी गई है। और बैक साइड में सभी सेंसर्स का यूज किया गया और आपको ग्लास्टिक का यूज भी देखने को मिल जाएगा जो कि काफी शाइनी भी फील होती है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी यहाँ डायल की काफी तगड़ी देखने को मिलेगी और यहाँ इस वॉच में एप्पल लुक एंड डिजाइन का यूज किया गया जिससे कि आपको एप्पल अल्ट्रा वॉच की फील देखने को मिल जाती है जो कि आप सभी जानते भी हैं। और स्ट्रैप क्वालिटी की बात करें तो इस वॉच में सिलिकन स्ट्रैप का ऑप्शन दिया गया, साथ ही आपको नायलॉन टाइप की स्ट्रैप भी देखने को मिल जाएगी जो कि फिलहाल हमारे पास भी है। और क्वालिटी यहाँ अच्छी देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा बेहतर तो नहीं कह सकते। और ये रिमूवेबल स्ट्रैप दी गई है, आप अपने यूज के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। और यहाँ इनकी स्ट्रैप क्वालिटी में आपको एक इशू देखने को मिल जाएगा, स्ट्रैप के लॉक पॉइंट पे आपको काफ़ी लूजनेस देखने को मिल जाती है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, और ये स्ट्रैप आपके डायल से इजीली रिमूव हो जाती है। तो यहाँ इस वॉच को आपको काफ़ी केयरफुली यूज करना पड़ सकता है या फिर आप इन स्ट्रैप को चेंज करके एक अच्छी क्वालिटी की स्ट्रैप को परचेज कर सकते हैं। और डिस्प्ले क्वालिटी की बात करें तो इस वॉच में 1.95 इंच की IPS HD डिस्प्ले का यूज किया गया और यहाँ आपको लास्ट डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। साथ ही इस वॉच में 600 निट्स की ब्राइटनेस भी दी गई है, तो आप इस वॉच को इंडोर लाइटिंग या फिर आउटडोर डायरेक्शन लाइट में भी इजीली यूज कर सकते हैं। डिस्प्ले काफी ब्राइट देखने को मिल जाती है, साथ ही इस वॉच में AOD का फीचर्स भी दिया गया, यानी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर्स भी मिल जाता है। और इसके बेजल्स की बात करें तो इसमें माइनर से बेजल्स ही दिए गए हैं, बहुत ज्यादा बेजल्स देखने को नहीं मिलते हैं जो कि इसके डिस्प्ले को काफी हद तक एनहेंस करते हैं और डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी। और यहाँ इस वॉच में रेज टू वेक का ऑप्शन भी दिया गया जिसे आप सेटिंग्स में जाकर इनेबल कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं दिया गया लेकिन फिर भी प्रॉपर तरीके से वर्क करता है। और कनेक्टिविटी की बात करें तो इस वॉच को आप M2 Wear ऐप के साथ पेयर करके कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ आपको नोटिफिकेशन के ऑप्शन मिल जाएंगे जिसमें आपको सभी सोशल मीडिया नोटिफिकेशन मिल जाते हैं जिन्हें आप इनेबल या फिर डिसेबल रख सकते हैं। साथ ही डायल फेसेस के ऑप्शन भी मिल जाएंगे, यहाँ आपको मल्टीपल टाइप के डायल फेसेस दिए गए हैं जिन्हें आप अपने यूज के अकॉर्डिंग डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही इस ऐप में आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी डेटा या फिर हेल्थ मॉनिटरिंग डेटा को भी चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ आपको सभी फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। और इस वॉच के UI एंड फीचर्स की बात करें तो स्वाइप अप करने पर आपको शॉर्टकट मेन्यू दिया गया जहां आपको सभी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जिसमें आप ब्राइटनेस लेवल को एडजस्ट कर सकते हैं और भी आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे जिन्हें आप ऐड या फिर रिमूव कर सकते हैं। और स्वाइप डाउन करने पर नोटिफिकेशन पैनल दिया गया जहां से आप मैसेज को रीड आउट कर सकते हैं। रोटेटिंग क्राउन बटन को प्रेस करने से आप मेन मेन्यू को ओपन कर सकते हैं, यहां आपको सभी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। कैलकुलेटर का ऑप्शन दिया गया, वेदर अपडेट का ऑप्शन मिल जाएगा, कैमरा एंड म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाएगा, साथ ही हेल्थ मॉनिटरिंग के सभी फीचर्स दिए गए, स्पोर्ट्स मोड के ऑप्शन मिल जाएंगे और इसमें गेमिंग के ऑप्शन भी दिए गए हैं। यहाँ थोड़े से आपको एडवांस गेम देखने को मिल जाते हैं जिन्हें आप इंजॉय कर सकते हैं। और रोटेटिंग क्राउन बटन का यूज करके भी आप फीचर्स को स्क्रॉल या फिर स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं, साथ ही वॉच फेसेस को भी आप चेंज कर सकते हैं। और इस वॉच के टच रेस्पॉन्स की बात करें तो यहाँ टच काफी हद तक रेस्पॉन्सिव है, UI भी लैग फ्री दिया गया है, बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं कह सकते लेकिन प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपको काफी अच्छा UI दिया गया है।
और स्पोर्ट्स मोड की बात करें तो इस वॉच में आपको मल्टी स्पोर्ट्स मोड के ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें आपको वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, बैडमिंटन, बास्केटबॉल एटसेट्रा फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जिससे कि आप इंडोर एक्टिविटीज या फिर आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी ट्रैक कर सकते हैं। साथ ही सेफ्टी फीचर्स के लिए इसमें IP67 की रेटिंग भी दी गई है। तो ये वॉच डस्ट एंड स्प्लैश प्रूफ भी बन जाती है, जिससे कि आप इस वॉच को जिम में वर्कआउट्स के दौरान या फिर आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में यूज कर सकते हैं। और हेल्थ मॉनिटरिंग फीचर्स की बात करें तो इस वॉच में HR, SpO2, स्लीप मॉनिटरिंग, साथ ही BP का ऑप्शन भी दिया गया, यानी कि आप ब्लड प्रेशर को भी मॉनिटर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ इस वॉच के सेंसर्स बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है, ये हार्ट सरफेस को भी मेजर करते हैं। तो यहाँ कंपनी को इसके सेंसर्स को लेकर थोड़ा वर्क करना चाहिए था, जिससे कि ये और बेहतर हो सकते थे। तो आप इस वॉच को हेल्थ मॉनिटरिंग फीचर्स के लिए यूज नहीं करें तो ही बेहतर होगा, आप मेडिकल इक्विपमेंट का यूज कर सकते हैं। और इस वॉच में स्मार्ट नोटिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको नोटिफिकेशन पैनल दिया गया है, स्वाइप डाउन करने पर आपको नोटिफिकेशन पैनल मिल जाएगा, जिसमें आपको सभी टेक्स्ट, SMS और सोशल मीडिया नोटिफिकेशन दिए गए हैं, जिन्हें आप रीड आउट कर सकते हैं। साथ ही आपको रिमूव का ऑप्शन भी मिल जाता है। और कॉलिंग फीचर्स की बात करें तो इस वॉच में डेडिकेटेड कॉलिंग का फीचर्स दिया गया है, आपको डायल पैड का ऑप्शन मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट का ऑप्शन दिया गया, कॉल लॉक्स का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो यहाँ आपको ऑलमोस्ट सभी फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। और साथ ही इनकमिंग कॉल की बात करें तो यहाँ आपको रिजेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, पिकअप का ऑप्शन भी दिया गया है, और कॉल को पिक करने के बाद आप वॉल्यूम को भी कंट्रोल कर सकते हैं। स्पीकर एंड माइक की क्वालिटी की बात करें तो यहाँ स्पीकर की लाउडनेस बहुत ही ज़्यादा दी गई है, आप म्यूजिक को भी इंजॉय कर सकते हैं। माइक की क्वालिटी की बात करें तो यहाँ आपको डिसेंट सुनने को मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा बेहतर तो नहीं कह सकते। और बैटरी लाइफ की बात करें तो इस वॉच में ऑन पेपर 5 डेज का बैटरी बैकअप दिया गया है, लेकिन रियल यूजर्स में इसमें आपको 2 से 3 दिन का ही बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा, क्योंकि इस वॉच की बैटरी काफ़ी जल्दी से ड्रेन होती है। तो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा बैटरी बैकअप नहीं दिया गया है। बात करें कॉलिंग फीचर्स की तो कॉलिंग फीचर्स के साथ में 1 से 1.5 दिन का ही बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। तो इस वॉच में ओवरऑल अगर बात की जाए तो एवरेज बैटरी बैकअप ही दिया गया, जो कि और भी बेहतर हो सकता था। दोस्तों बात कर लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट की, क्या इस स्मार्ट वॉच को आपको परचेज करना चाहिए या फिर नहीं। इस वॉच के प्रोज की बात करें, क्वालिटी काफ़ी तगड़ी देखने को मिलेगी, एप्पल वॉच अल्ट्रा के लुक एंड डिजाइन का यूज किया गया है, तो यहाँ आपको एप्पल वाली फील भी देखने को मिल जाती है। लास्ट डिस्प्ले दी गई, डिस्प्ले क्वालिटी भी काफ़ी बेहतर देखने को मिलेगी। यूजर इंटरफेस भी काफ़ी अच्छा दिया गया है, मल्टी स्पोर्ट्स मोड के ऑप्शन मिल जाएंगे, गेमिंग का ऑप्शन दिया गया, कैलकुलेटर का ऑप्शन भी मिल जाता है, साथ ही इनबिल्ट माइक एंड स्पीकर का यूज किया गया, तो यहाँ आप इसे कॉलिंग पर्पज के लिए भी यूज कर सकते हैं। बात करें इस वॉच के कॉन्स की तो इसकी स्ट्रैप की क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ये इजीली रिमूव हो जाती है, तो यहाँ फिटिंग बिल्कुल भी अच्छी देखने को नहीं मिलती है। अगर आप इस स्टेप को चेंज कर सकते हैं तो एक ऑप्शन हो सकती है। एवरेज बैटरी बैकअप दिया गया, सेंसर्स भी बिल्कुल फेक देखने को मिलते हैं, रिलायबल सेंसर्स नहीं दिए गए हैं, ये अदर ऑब्जेक्ट को भी मेजर करते हैं। तो यहाँ आपको ये सभी कॉन्स देखने को मिल जाते हैं। और इसी प्राइस रेंज में आपको अदर स्मार्ट वॉच भी मिल जाती है, जो कि काफी अच्छे फीचर्स के साथ आती है, लेकिन यहाँ लुक डिजाइन को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। अगर आप लुक डिजाइन के व्यापार पर इस स्मार्ट वॉच को परचेज करना चाहते हैं तो जरूर से परचेज कर सकते हैं, लेकिन ये वॉच यहाँ बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है, तो यहाँ आपको अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग स्मार्ट वॉच को परचेज करना चाहिए। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को भी दबा देना ऐसी टेक वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।